उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों दीदी भुलियों चच्ची बोड़िया और भाई बहनों आप सबू थे म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा छे कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों थे सेवा लगोण छो। आप स्वीकार करा उत्तराखंड के गवर्नर श्रीमान गुरमीत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी प्रहलाद जोशी जी, अजय भट्ट जी, उत्तराखंड में मंत्री सतपाल महाराज जी, हरक सिंह रावत जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, संसद में मेरे सहयोगी निशंक जी, तीरथ सिंह रावत जी, अन्य सांसदगण, भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, विजय बहुगुणा जी, राज्य विधानसभा के अन्य सदस्य, मेयर श्री, जिला पंचायत के सदस्यगण, भाई मदन कौशिक जी और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपके स्नेह, आपका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद का प्रसाद पाकर हम सभी अभिभूत है। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो,
बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को, मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं, ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। भाइयों और बहनों, इस शताब्दी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए, इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, दोगुनी तीन गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भविष्य के भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस महायज्ञ का ही एक यज्ञ आज यहां देवभूमि में हो रहा है। भाइयों और बहनों, इस देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं, उद्यमी भी आते हैं, प्रकृति प्रेमी सैलानी भी आते हैं। इस भूमि का जो सामर्थ्य है उसे बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला, वहां के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने में लामबगड़ लैंडस्लाइड के रूप में जो रुकावट थी,
वो भी अब दूर हो चुकी है। इस लैंडस्लाइड ने देश भर के न जाने कितने तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ जी की यात्रा करने से या तो रोका है या फिर घंटों इंतजार करवाया है, और कुछ लोग तो थक करके वापस भी चले गए। अब बद्रीनाथ जी की यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुखद हो जाएगी। आज बद्रीनाथ जी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अनेक सुविधाओं से जुड़े नए प्रोजेक्ट पर भी काम आरंभ हुआ है। भाइयों और बहनों, बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं से पर्यटन और तीर्थाटन को कितना लाभ होता है, बीते वर्षों में केदार धाम में हमने अनुभव किया है। केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया था, और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने ना सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई, बल्कि वहां के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए हैं। साथियों, पहले जब भी मैं उत्तराखंड आता था या उत्तराखंड आने जाने वालों से जरा मिलता था, तो वो हमेशा कहते थे, मोदी जी, दिल्ली से देहरादून की यात्रा गणेशपुर तक तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन गणेशपुर से देहरादून तक बड़ी मुश्किल होती है। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। हरिद्वार रिंग रोड परियोजना से हरिद्वार शहर को जाम की बरसों पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क भी और आसान होगा। इसके अलावा ऋषिकेश की पहचान हमारे लक्ष्मण झूला, ये लक्ष्मण झूला पुल के समीप एक नए पुल का शिलान्यास भी आज हुआ है। भाइयों और बहनों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर्यावरण सुरक्षा के साथ, विकास के साथ हमारे विकास के मॉडल का भी प्रमाण होगा। इसमें एक तरफ उद्योगों का कॉरिडोर होगा, तो इसमें एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनेगा। ये कॉरिडोर यातायात तो सरल करेगा ही, जंगली जीवों को भी सुरक्षित आने जाने में मदद करेगा। साथियों,
उत्तराखंड में औषधीय गुण वाली जो जड़ी बूटियां हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद है, उनकी मांग दुनिया भर में है। अभी उत्तराखंड के इस सामर्थ्य का भी पूरा उपयोग नहीं हो सका है। अब जो आधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला बनी है, वो उत्तराखंड के सामर्थ्य को और बढ़ाएगी। भाइयों और बहनों, हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी किले हैं। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से दशकों तक जो सरकार में रहे उनकी नीति और रणनीति में दूर दूर तक ये चिंतन कहीं नहीं था। उनके लिए उत्तराखंड हो या हिंदुस्तान के और क्षेत्र, उनका एक ही इरादा रहता था, अपनी तिजोरी भरना, अपने घर भरना, अपनों का ही ख्याल रखना। भाइयों बहनों, हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी, उसने 7 साल में उत्तराखंड में केवल, हमारे पहले जो सरकार थी उसने 7 साल में क्या काम किया? पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे, जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। आप बताइए भाइयों बहनों, इसे आप काम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसे आप काम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या इसमें लोगों की भलाई है कि नहीं है? इससे उत्तराखंड का भला होगा कि नहीं होगा? आपकी भावी पीढ़ियों का भला होगा कि नहीं होगा? उत्तराखंड के नौजवानों का भाग्य खुलेगा कि नहीं खुलेगा? इतना ही नहीं, पहले की सरकार ने उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर 7 साल में 600 करोड़ के आसपास खर्च किया। कितने कितने? 600 करोड़। कितने समय में? 7 साल में। 7 साल में कितना खर्चा किया पहले वालों ने? 600 करोड़। कितना किया? अब जरा सुन लीजिए, जबकि हमारी सरकार ने इन 7-7.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। कहां 600 करोड़ और कहां 12,000 करोड़ रुपया? आप मुझे बताइए, हमारे लिए उत्तराखंड प्राथमिकता है कि नहीं है? आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हमने करके दिखाया है कि नहीं दिखाया, हम जी जान से उत्तराखंड के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और भाइयों बहनों, ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम होता है तो कितनी चीजों की जरूरत होती है। सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, लकड़ी चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, मजदूरी करने वाले लोग चाहिए, उद्यमी लोग चाहिए, स्थानीय युवाओं को अनेक प्रकार का लाभ का अवसर पैदा होता है। इन कामों को जो श्रमिक लगते हैं, इंजीनियर लगते हैं, मैनेजमेंट लगता है, वो भी अधिकतर स्थानीय स्तर पर जुट जाते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट अपने साथ उत्तराखंड में रोजगार का एक नया इकोसिस्टम बन रहे हैं, हजारों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, 5 साल पहले मैंने कहा था, जो कहा था उसको दोबारा याद कराने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती है, मुझ में है। याद कर लेना मैंने क्या कहा था। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड का पानी और जवनी उत्तराखंड के काम ही आली। साथियों, सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पहले की सरकारों ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। बॉर्डर के 5 सड़कें बने, पुल बने, इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वन रैंक वन पेंशन हो, आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो, या फिर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, जैसे उन लोगों ने हर स्तर पर सेना को निराश करने का, हतोत्साहित करने की मानो कसम खा रखी थी। लेकिन आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। हमने सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनाई हैं। मौसम और भूगोल की कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये काम तेजी से किया जा रहा है। और ये काम कितना अहम है, ये उत्तराखंड का हर परिवार, फौज में अपने बच्चों को भेजने वाला परिवार ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। साथियों, एक समय पहाड़ पर रहने वाले लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का सपना ही देखते रह जाते थे, पीढ़ियां बीत जाती थी। वो यही सोचते थे, हमें कब पर्याप्त बिजली मिलेगी, हमें कब पक्के घर बनकर मिलेंगे, हमारे गांव तक सड़क आएगी या नहीं आएगी, अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं, और पलायन का सिलसिला
आखिरकार कब रुकेगा? जाने कितने ही प्रश्न यहां के लोगों के मन में थे, लेकिन साथियों, जब कुछ करने का जुनून हो, तो सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। और आपका ये सपना पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्या लेकर आएंगे तब सरकार कुछ सोचेगी और कदम उठाएगी। अब सरकार ऐसी है जो सीधे नागरिकों के पास जाती है। आप याद करिए, एक समय था जब उत्तराखंड में 1.25 लाख घरों में 1.25 लाख घरों में नल से जल पहुंचता था। आज 7.5 लाख से भी अधिक घरों में नल से जल पहुंच रहा है। अब घर में किचन तक नल से जल आए हैं ते माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? हम सबको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? नल से जल आता है तो माताओं बहनों का कष्ट दूर होता है कि नहीं होता है? उनको सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है? और ये काम जल जीवन मिशन शुरू होने के 2 साल के भीतर भीतर हमने कर दिया है। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को, यहां की महिलाओं को हुआ है। उत्तराखंड की माताओं, बहनों, बेटियों ने हमेशा हम सभी पर इतना स्नेह दिखाया है। हम सभी दिन रात परिश्रम करके, ईमानदारी से काम करके हमारी इन माताओं बहनों का जीवन आसान बनाकर उनका ऋण चुकाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। उत्तराखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। इतने छोटे से राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज। आज हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया है। ऋषिकेश एम्स तो सेवाएं दे ही रहा है, कुमाऊं में भी सैटेलाइट सेंटर भी जल्द ही सेवा देना शुरू कर देगा। टीकाकरण के मामले में भी उत्तराखंड आज देश के अग्रणी राज्यों में है। और इसके लिए मैं धामी जी को, उनके साथियों को, पूरी उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं। और इसके पीछे भी बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। इस कोरोना काल में उत्तराखंड में 50 से अधिक नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। साथियों, बहुत से लोग चाहते हैं, आप में से सबके मन में विचार आता होगा, हर कोई चाहता होगा उसकी संतान डॉक्टर बने, उसकी संतान इंजीनियर बने, उनकी संतान मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाए। लेकिन अगर नए संस्थान बने ही नहीं, सीटों की संख्या बढ़े ही नहीं, तो आपका सपना पूरा हो सकता है क्या? आपका बेटा डॉक्टर बन सकता है क्या? आपकी बेटी डॉक्टर बन सकती है क्या? आज देश में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज,
नई आईआईटी, नए आईआईएम, विद्यार्थियों के लिए प्रोफेशनल कोर्स की बढ़ रही सीटें, देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य को मजबूत करने का काम कर रही है। हम सामान्य मानवीय के सामर्थ्य को बढ़ाकर, उसे सशक्त करके, उसकी क्षमता बढ़ाकर, उसे सम्मान के साथ जीने के नए अवसर दे रहे हैं। साथियों, समय के साथ हमारे देश की राजनीति में अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई है और आज इस बारे में भी मैं उत्तराखंड की पवित्र धरती पर कुछ बात बताना चाहता हूं। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो, या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं और उसमें ही उनको वोट बैंक नजर आती है। इतना संभाल लो, वोट बैंक बना दो, गाड़ी चलती रहेगी। इन राजनीतिक दलों ने एक और तरीका भी अपनाया है। उनके ये विकृतियों का एक रूप ये भी है और वह रास्ता है जनता को मजबूत नहीं होने देना, बराबर कोशिश करना कि जनता कभी मजबूत ना हो जाए। वे तो यही चाहते रहे, ये जनता जनार्दन हमेशा मजबूर बनी रहे। मजबूर बनाओ, जनता को अपना मोहताज बनाओ, ताकि उनका ताज सलामत रहे। इस विकृत राजनीति का आधार रहा कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी ना करो, उन्हें आश्रित बनाकर रखो। इनके सारे प्रयास इसी दिशा में हुए कि जनता जनार्दन को ताकतवर नहीं बनने देना है। दुर्भाग्य से इन राजनीतिक दलों के लोगों ने भी ये सोच पैदा कर दी कि सरकार ही हमारी माई बाप है, अब जो कुछ भी मिलेगा सरकार से ही मिलेगा, तभी हमारा गुजारा होगा। लोगों के मन में भी ये घर कर गया, यानी एक तरह से देश के सामान्य मानवीय का स्वाभिमान, उसका गौरव सोची समझी रणनीति के तहत कुचल दिया गया, उसे आश्रित बना दिया गया। और दुखद ये कि ये सब करते रहे और कभी किसी को भनक तक नहीं आने दी। लेकिन इस सोच, इस अप्रोच से अलग हमने एक नया रास्ता चुना है। हमने जो रास्ता चुना है वो मार्ग कठिन है, वो मार्ग मुश्किल है, लेकिन देश हित में है, देश के लोगों के हित में है। और हमारा मार्ग है सबका साथ सबका विकास। हमने कहा कि जो भी योजना लाएंगे सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे। हमने वोट बैंक की राजनीति को आधार नहीं बनाया, बल्कि लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। हमारी अप्रोच रही कि देश को मजबूती देनी है। हमारे देश कब मजबूत होगा? जब हर परिवार मजबूत होगा। हमने ऐसे समाधान निकाले, ऐसी योजनाएं बनाई जो भले वोट बैंक के तराजू में ठीक नहीं बैठे,
लेकिन वो बिना भेदभाव आपका जीवन आसान बनाएगी, आपको नए अवसर देगी, आपको ताकतवर बनाएगी। और आप भी नहीं बचाएंगे, आप में से कोई नहीं चाहेगा कि आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण छोड़े जिसमें आपके बच्चे भी हमेशा आश्रित जीवन जिए। जो मुसीबतें आपको विरासत में मिली, जिन कठिनाइयों में आपको जिंदगी गुजारनी पड़ी, आप भी नहीं चाहेंगे कि आप वो विरासत, वो मुसीबतें बच्चों को वैसे ही देकर जाएं। हम आपको आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा था, कि जो हमारा अन्नदाता है वो ऊर्जा दाता भी बने, तो इसके लिए हम खेत के किनारे मेड़ पर सोलर पैनल लगाने की कुसुम योजना लेकर के आए। इससे किसान को खेत में ही बिजली पैदा करने की सुविधा हुई। ना तो हमने किसान को किसी पर आश्रित किया और ना ही उसके मन में ये भाव आया कि मैं मुफ्त की बिजली ले रहा हूं। और इस प्रयास में भी उसको बिजली भी मिली और देश पर भी भार नहीं आया और वो एक तरह से आत्मनिर्भर बना। और ये योजना देश के कई जगह पे हमारे किसानों ने लागू की है। इसी तरह हमने देश भर में उजाला योजना शुरू की। कोशिश थी कि घरों में बिजली का बिल कम आए, इसके लिए देश भर में और यहां उत्तराखंड में करोड़ों एलईडी बल्ब दिए गए, करोड़ों। और पहले एलईडी बल्ब 300-400 रुपये के आते थे, हम उनको 40-50 रुपये तक लेकर के आ गए। आज लगभग हर घर में एलईडी बल्ब इस्तेमाल हो रहे हैं और लोगों का बिजली का बिल भी कम हो रहा है। अनेकों घरों में जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार है, हर महीने 500 से 600 रुपये तक बिजली बिल कम हुआ है। साथियों, इसी प्रकार से हमने मोबाइल फोन सस्ता किया, इंटरनेट सस्ता किया, गांव गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं, अनेक सुविधाएं गांव में पहुंची है। अब गांव के आदमी को रेलवे का रिजर्वेशन कराना हो तो उसे शहर नहीं आना पड़ता, एक दिन खराब नहीं करना पड़ता, 100-200-300 रुपया बस का किराया नहीं देना पड़ता, वो अपने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर से ऑनलाइन रेलवे का बुकिंग करा सकता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। अभी कुछ समय पहले मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं। जब इतने यात्री आएंगे, पहले की तुलना में 2 गुना 3 गुना यात्री आना शुरू हुआ है, जब इतने यात्री आएंगे तो होटल की उपलब्धता का सवाल भी स्वाभाविक है। और रातों रात इतने होटल भी नहीं बन सकते, लेकिन हर घर में एक कमरा बनाया जा सकता है, अच्छी सुविधाओं के साथ बनाया जा सकता है। और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में
पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। साथियों, इसी तरह का परिवर्तन हम देश के हर कोने में ला रहे हैं। इस तरह के परिवर्तन से देश 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा। इसी तरह का परिवर्तन उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। साथियों, समाज की जरूरत के लिए कुछ करना और वोट बैंक बनाने के लिए कुछ करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त घर बनाकर देती है तो वो उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करती है। जब हमारी सरकार गरीबों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है तो वो उसकी जमीन बिकने से बचाती है, उसे कर्ज के चुकू चक्र में फंसने से बचाती है। जब हमारी सरकार कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त अनाज सुनिश्चित करती है तो वो उसे भूख की मार से बचाने का काम करती है। मुझे पता है कि देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग इस सच्चाई को समझता है, तभी हर क्षेत्र, हर राज्य से हमारे कार्यों को, हमारी योजनाओं को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश ने जो प्रगति की रफ्तार पकड़ी है वो अब रुकेगी नहीं, अब थमेगी नहीं और ये थकेगी भी नहीं, बल्कि और अधिक विश्वास और संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगी। आने वाले 5 वर्ष उत्तराखंड को रजत जयंती की तरफ ले जाने वाले हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता, ऐसा कोई संकल्प नहीं जो इस देव भूमि में सिद्ध नहीं हो सकता। आपके पास दामी जी के रूप में युवा नेतृत्व भी है, उनकी अनुभवी टीम भी है, हमारे पास वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है, 30-30 साल, 40-40 साल अनुभव से निकले हुए नेताओं की टीम है जो उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो देश भर में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को निखार नहीं सकते हैं। आपके आशीर्वाद से विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर से आप सबको बधाई देता हूं। आप जब देवभूमि में आया हूं, वीर माताओं की भूमि में आया हूं, तो कुछ भाव पुष्प कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको नीश नवाता हूं।
मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। तुम आंचल हो भारत मां का, तुम आंचल हो भारत मां का, जीवन की धूप में छाव हो तुम, बस छूने से ही तर जाए सबसे पवित्र वो धरा हो तुम, बस लिए समर्पण तन मन से, बस लिए समर्पण तन मन से, मैं देवभूमि में आता हूं, मैं देवभूमि में आता हूं, है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं, और धन्य धन्य हो जाता हूं। जहां 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 अंजुली में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देव भूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं, उस देव भूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं, है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। मंडवे की रोटी, मंडवे की रोटी, हड़के की थाप, मंडवे की रोटी हड़के की थाप, हर एक मन करता शिवजी का झाप, हर एक मन करता शिवजी का झाप, ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि, ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि, कितने वीरों की ये जन्मभूमि, मैं देवभूमि आता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।